हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पलक, मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो आज होने वाला है हंसी टीवी की तरफ से। ये जो वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उनकी एक्चुअल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही खूबसूरत इनके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, नॉलेजेबल है। प्लीज अगर वीडियो देखने हो तो चैनल को विजिट करिए। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कन्फर्म्स मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सॉन्ग। तो इनके जो नहीं मोहम्मद ये है PBUH। भाई आप हमें बताएं क्या फुल फॉर्म है, बाकी वीडियो के अंदर तो पता ही लग जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसानों के तैयार करदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने हाल ही में स्पेस से कुछ ऐसी तस्वीरें कैप्चर की हैं जिनके अंदर यह देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट खसूसन सऊदी अरेबिया और इसके आसपास के इलाकों का इससे कितना फासला है। इन तस्वीरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बयान करदा एक ऐसी हदीस मुबारक की तस्दीक कर दी है जिसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि बिना किसी सैटेलाइट और जियोग्राफिकल नॉलेज के बगैर इतना बड़ा दावा इतने यकीन के साथ करना भला कैसे मुमकिन है। सही मुस्लिम 480। ये एक मुस्तनद और तवील हदीस मुबारक है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के होलनाक मंजर को बयान करते हुए आखिर में अपनी उम्मत को इस अज़ाब से निजात दिलवाने के लिए खुशखबरी सुनाते हुए फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया और गोश्त की दस्ती उठाकर आपको पेश की गई क्योंकि ये आपको बहुत पसंद थी। आपने अपने दांत मुबारक से एक बार से इसमें से खाया और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार हूँ? क्या तुम जानते हो कि ये क़यामत का दिन कैसा होगा? अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अगली और पिछली उम्मतों को एक बिल्कुल फ्लैट या चटियल मैदान के अंदर जमा करेगा। बुलाने वाला सबको अपनी आवाज़ सुनाएगा, यानी एक बुलंद आवाज़ सब लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी और अल्लाह की नज़र सबके आर पार यानी आखिर तक मौजूद हर एक शख्स को देख रही होगी। सूरज इंतहाई करीब हो जाएगा जिसे देखकर लोगों के अंदर इस कदर गम और बेचैनी होगी कि यह इनके लिए नाकाबले बर्दाश्त गर्मी होगी। लिहाजा लोग एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम किस हालत में हो? क्या देखते नहीं कि तुम पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है? क्या तुम लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो कि आज के रोज अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश कर दे कि अल्लाह ताला हमसे इस मुसीबत को दूर कर दे? लिहाजा ये सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से कहेंगे कि चलो हजरत आदम अलैहि सलाम के पास, और आदम अलैहि सलाम की खिदमत में पेश होकर कहेंगे कि ए आदम अलैहि सलाम, आप हम सब इंसानों के वालिद हैं, अल्लाह के पहले पैगंबर और इनके प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से बनाया और आप में अपनी तरफ से रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्होंने आपको सजदा किया। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं कि आप नहीं देखते कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है? आदम अलैहि सलाम जवाब देंगे कि मेरा रब आज इतने गुस्से के अंदर है जितने गुस्से के अंदर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा और ना कभी इसके बाद इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि आज के दिन उसने अपना नाम रहमान नहीं बल्कि कहार रखा हुआ है यानी गजब और जलाल वाला। क्या तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह ने मुझे खास किस्म के दरख्त के करीब जाने से रोका था लेकिन मैंने इसकी नाफरमानी की थी, तो मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है कि कहीं मुझे आज के दिन इस गलती पर पकड़ ना लिया जाए। तुम ऐसा करो किसी और के पास जाओ बल्कि नूह अलैहि सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा अब ये सब लोग इकट्ठे होकर नूह अलैहि सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि ए नूह अलैहि सलाम, आप जमीन की तरफ इंसानों के लिए भेजे गए सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ने आपको शुक्रगुजार बंदे का नाम दिया है यानी अल्लाह आपसे राजी है। आप देखते नहीं कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है? नूह अलैहि सलाम भी बिल्कुल यही जवाब देंगे कि आज के दिन मेरा रब इतने गुस्से के अंदर है कि ना तो इससे पहले इतने गुस्से के अंदर था और ना आइंदा कभी आएगा। हकीकत तो यह है कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया था कि आप एक दुआ ऐसी कर सकते हैं जो कि मैं हर सूरत आपकी कबूल करूंगा, और वो एक दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए यानी अपनी कौम पर अजाब के लिए मांग चुका हूँ। अगर ना मांगी होती तो अल्लाह अपने वादे के मुताबिक आज के दिन इस दुआ को कभी रद्द ना करता, लेकिन आज के दिन तो मेरी खुद की जान पर बनी है, मुझे सबसे पहले अपनी जान की फिक्र है। तुम लोग ऐसा करो कि इब्राहिम के पास जाओ। लिहाजा आपकी बार लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह के नबी और अहले जमीन में से इसके खलील यानी अल्लाह के दोस्त हैं, आप रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे कहेंगे कि मेरा रब इस कदर जलाल के अंदर है कि इससे पहले कभी इतने गुस्से के अंदर नहीं आया और ना कभी आएगा, और अपने इन तीन झूठों को याद करेंगे जो कि इन्होंने तौरिया तौर पर यानी एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर अपने माल जान और इज्जत को बचाने के लिए दुनिया के अंदर बोले थे, और कहेंगे कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी है। ऐसा करो मूसा के पास जाओ।
लिहाजा अब की बार लोग मूसा अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि ऐ मूसा अलैहि सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप वो अकेले हैं जिनसे जमीन पर अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया, अल्लाह के हजूर सिफारिश कीजिए कि वो हमसे इस मुसीबत को दूर करे। हजरत मूसा अलैहि सलाम भी बिल्कुल यही कुछ कहेंगे कि मेरा रब इससे पहले ना कभी इतने गुस्से के अंदर पहले आया था और ना कभी इसके बाद आएगा, और मैं तो वैसे भी अनजाने के अंदर एक मिस्री शख्स को कत्ल कर चुका हूँ, हालांकि इसके कत्ल का हुक्म मुझे अल्लाह ने नहीं दिया था। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मेरी जान का क्या बनेगा, मेरी जान कैसे बचेगी। तुम लोग ऐसा करो कि ईसा के पास जाओ। लिहाजा अब ये सब लोग इकट्ठे होकर ईसा अलैहि सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप पाक रूह हैं, अल्लाह के नेक बंदे और इसके रसूल हैं, आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं कि हमसे इस मुसीबत को दूर करें। तो ईसा अलैहि सलाम भी इनको वही जवाब देंगे जो कि इससे पहले के पैगम्बरों ने दिया कि मेरा रब आज के दिन बहुत गुस्से में है। लेकिन फ़र्क ये होगा कि वो अपनी किसी दुनियावी गलती का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि इतना कहेंगे कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे पहले अपनी जान बचानी है। तुम लोग ऐसा करो कि मुहम्मद के पास जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब के बाद लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह अगर होते तो भी माफ़ कर दिए, आप अपने रब के हजूर सिफारिश फरमाएं कि हमसे इस मुसीबत को दूर करें। आप जानते हैं कि हम लोग कितनी मुसीबत और मुश्किल के अंदर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं चल पड़ूंगा और अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा और अपने रब के हजूर लंबे सजदे के अंदर गिर जाऊंगा, अल्लाह की सना और इसकी बड़ाई बयान करता रहूंगा, जिसके बाद अल्लाह पाक मुझसे फरमाएगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, आप मांगो, आपको क्या चाहिए, जो चाहोगे मिलेगा, सिफारिश कीजिए, आपकी हर सिफारिश कबूल होगी। तो मैं अपना सर उठाऊंगा और अर्ज करूंगा कि ऐ मेरे रब, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता बल्कि मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का सवाल है। तो कहा जाएगा कि ऐ मोहम्मद, आपकी उम्मत के जिन लोगों का हिसाबो किताब नहीं, यानी आपकी उम्मत के ऐसे खुशनसीब 70,000 लोग जिन्हें बिना हिसाब किताब के जन्नत के दरवाजे बाब अमन से खास तौर पर गुजारा जाएगा, इनको आप अपने हाथों से जन्नत के अंदर लेकर जाएं, जबकि बाकी उम्मत सिवाय जिसने शिर्क नहीं किया होगा जन्नत के बाकी दरवाजों से दाखिल होगी। इस हदीस मुबारक को जरा गौर से समझें कि जब अल्लाह के जलाल और गुस्से से रसूल, जो कि इंसानों के अंदर नबियों और बाकी इंसानों से बढ़तर हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर औलिया अल्लाह की क्या हालत होगी, जिनकी कब्रों पर जाकर लोग इनसे दुआएं मांगते हैं, इनको अपना मुश्किल कुशा मानकर इनके सामने अपनी हाजतें पेश करके इनकी कब्रों के सामने सजदे करते हैं। अगर ये लोग इस दिन कुछ कर सकते हैं तो क्या अल्लाह ताला इसको यहाँ पर बयान ना फरमाता। ये हदीस मुबारक हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। अब इस तवील हदीस के आखिर पर जरा गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यानी अल्लाह की कसम कि जन्नत के दो दरवाजों के दरमियान इतना ही फासला है जितना मक्का शहर और शहर हिजर या मक्का और शहर बसरा के दरमियान फासला है, जो कि मुल्क शाम के अंदर मौजूद है। इन अल्फाज को समझकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दो चीजों का मुवासना किया जा रहा है अपनी बात को समझाने के लिए कि मक्का शहर से इन दोनों का फासला बिल्कुल एक जैसा है, ये दोनों शहर मक्का से बिल्कुल एक जितने फासले पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौर के अंदर फासलों को नापने के लिए ना कोई पैमाने मौजूद थे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, और लोग अपने घोड़ों गधों पर सफर करके या ऊँटों पर बैठ कर दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते, कोई भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता था कि यहाँ से किसी चीज का फासला कितने किलोमीटर पर है, क्योंकि जाहिर है कि ये डिपेंड करता था आपकी सवारी पर और रास्ते पर कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा है या इसके अंदर कोई पहाड़ी सिलसिला, कोई जंगल या कोई रुकावट तो नहीं। और उस टाइम के अंदर क्योंकि सफर को दिनों के अंदर नापते थे, लिहाजा अगर उस सफर के अंदर कोई रुकावटें हैं तो छोटा होने के बावजूद भी उस सफर के अंदर दिन ज्यादा लगते, जबकि उस सफर में कम दिन लगते, जो कि लंबा तो है लेकिन इसके अंदर कोई रुकावटें नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पहले ये फरमाना कि मक्का से हिजर और बसरा शहर का फासला बिल्कुल एक जितना है, बिल्कुल नाकाबिले यकीन सी बात है, क्योंकि आज के दौर की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें ये बता रही है कि मक्का से इन दोनों शहरों का फासला बिल्कुल एग्जैक्ट एक जितना है, जो कि है 1200 किलोमीटर। अगर इनके दरमियान बिल्कुल एक सीधी लाइन को खींचा जाए, रोड्स और दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ और समंदर वगैरह इस रास्ते को कम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर ये एवरेज फासला बिल्कुल इतना ही होगा अगर इसे एक बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर देखें, और इसे आज सैटेलाइट से भी वाजे तौर पर देखा जा सकता है। सुभान अल्लाह, क्या ये किसी इंसान के अपने अल्फाज हो सकते हैं या ये इल्म है इस दुनिया और कायनात को चलाने वाले का, जिसे इसने अपने रसूल को गैबी तौर पर अता किया, जो कि बिल्कुल हक और सच है? क्या अब भी गैर मुस्लिम इसे सिर्फ एक इत्तफाक कहकर इसके वजूद से इनकार करेंगे या अल्लाह की इस खुली निशानियों पर गौर व फिक्र करके इसको समझेंगे ताकि हिदायत तक पहुंच सकें? अल्लाह ताला से दुआ है। भाई पहले तो ये किसके पास
आदम के पास, फिर नूह के पास, फिर इब्राहिम के पास, फिर उसके बाद मूसा के पास, फिर ईसा के पास, फिर लास्ट में मोहम्मद के पास। मतलब सबने, सभी नबियों ने एक ही चीज बोली कि अल्लाह बहुत गुस्से में है और हमें हमारी भी जान प्यारी है। तो बहुत ही आज अलग तरीके का वीडियो था, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो था। हंसी टीवी के वीडियोस वैसे भी हमेशा ही बहुत सारे नॉलेजफुल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है, मतलब बहुत ही चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है। फिर हमारे साथ साथ हम आपको भी कन्वे करते हैं कि हमें क्या चीज सीखने के लिए मिली। आप लोगों को भी अच्छा लगता है जब हम लोग इस्लामिक कंटेंट देखते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं लोग, बहुत खूबसूरत आज का ये वीडियो था। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा ये रिएक्ट आपको इस वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे जल्दी, नमस्कार, अपना ध्यान, थैंक यू।